तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम कुमार सिंह और आप देख रहे हैं क्लब है स्टडी पॉइंट। तो इस वाली वीडियो हम देखने वाले हैं क्लास 12th की अपनी वीडियो है, ठीक है दोस्तों। इकोनॉमिक्स अपना सब्जेक्ट है और जो अपना टॉपिक है वो डेवलपमेंट वाली बुक से चैप्टर नंबर फर्स्ट है अपना, ठीक है। बात करने वाले हम स्वतंत्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था की। जो स्वतंत्रता जिस समय हमारी आजादी मिली थी उस समय जो अपने भारत की अर्थव्यवस्था थी वो कैसी थी, आपको पता है? उस समय जो हमारी भारत की अर्थव्यवस्था होगी वो इसी के अकॉर्डिंग होगी, क्योंकि उस समय हम गुलाम थे, हमारे ऊपर ब्रिटिश का शासन था, तो उसी के लगभग हमारी अर्थव्यवस्था होगी कि उन्होंने हमारी अर्थव्यवस्था को कैसे छोड़ा था, ठीक है। बात करने वाले हम चैप्टर वन की, और पार्ट नंबर आपका सेकेंड है और यही आपका लास्ट पार्ट है इस वाले चैप्टर का, ठीक है। इसमें आपका जो टॉपिक है वो पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा, चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो बात करने वाले सबसे ऊपर जो हमारा टॉपिक है वो है स्वतंत्रता के समय औद्योगिक क्षेत्र, ठीक है। यानी उस समय स्वतंत्रता के समय अपना औद्योगिक क्षेत्र कैसा था। इस टॉपिक से जो सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक आता है, जो क्वेश्चन आता है, वो आता है हस्तशिल्प का पतन, ठीक है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। हस्तशिल्प का पतन का मतलब आपको पता है, हस्तशिल्प यानी जो हाथ से बनाई हुई वस्तुएं होती थी, ठीक है, जो कि भारतीय के लिए बहुत ही ज्यादा फेमस थी, जो भारत लोग इससे बहुत ही ज्यादा अच्छी बनाते थे, गुणवत्ता इनकी इतनी क्वालिटी अच्छी थी कि पूरे विश्व में प्रसिद्ध था, लेकिन उसका पतन हो गया, ठीक है। ब्रिटिश लोगों के आते ही इसका जो है पतन हो गया, ठीक है, और उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। ब्रिटिश शासन से पहले भारत का जो हस्तशिल्प उद्योग था अपनी गुणवत्ता के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध था, पूरे देश में प्रसिद्ध था, पूरे संसार में, वर्ल्ड में, ठीक है, अपनी गुणवत्ता के। लेकिन जब ब्रिटिश शासन आई तो इस उद्योग का पतन हो गया, ठीक है। ऐसा ब्रिटिश सरकार के नीतियों के कारण हुआ, बहुत ही ज्यादा फेमस था, लेकिन क्या हुआ, ब्रिटिश शासन के आते ही ये खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने बहुत सारी गलत नीतियां बनाई थी। उस नीति को कह सकते हैं हम राज्य की विभेद मूलक प्रतिशुल्क नीति, ठीक है। प्रतिशुल्क नीति के ऊपर हम चर्चा करेंगे कि क्या थी ये नीति और इससे कैसे हस्तशिल्प का है पतन हो गया, ठीक है। तो इस नीति में उन्होंने गलत क्या रूल अपने बनाए थे आयात निर्यात के, ठीक है। क्या था, बिना निर्यात शुल्क के किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा निर्यात करते समय। भारत से कच्चे माल का निर्यात वो कर सकते हैं ब्रिटिश लोग, ठीक है, और बिना आयात शुल्क के, और बिना किसी आयात शुल्क के ब्रिटिश औद्योगिक उत्पाद का वो भारत से आयात भी कर सकते हैं। और ना उनको लाने के पैसे लगेंगे किसी प्रकार की वस्तु, और ना भारत से बाहर भेजने के पैसे लगेंगे, बिल्कुल फ्री हो जाएगी उनके लिए, ठीक है। लेकिन उन्होंने क्या किया, भारतीय हस्तशिल्प उत्पाद के निर्यात पर बहुत ही ज्यादा शुल्क लगा दिया। लेकिन इंडियंस के लिए, भारतीयों के लिए उन्होंने इतना गलत रूल लागू कर दिया कि आपका जो हस्तशिल्प उद्योग है इसको आप अगर निर्यात करोगे तो आपको शुल्क लगेगा, भारी शुल्क, बहुत ज्यादा टैक्स बढ़ा दिया। इससे क्या होगा दोस्तों, इससे यह होगा कि वहां पे जो भारतीय का जो बाजार है हस्तशिल्प वाला, वो पूरा का पूरा खराब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हस्तशिल्प की वस्तु वैसे भी महंगी होती है, क्योंकि उसको बनाने के लिए बहुत ज्यादा श्रम बल चाहिए, बहुत ज्यादा मेहनत चाहिए, बहुत ज्यादा बारीकी सी बनता है वो, ठीक है, और उसके ऊपर भी उन्होंने टैक्स लगा दिया तो वो महंगी हो जाएगी वस्तु। और उनका जो है, उन्होंने क्या किया, यहां से कच्चे माल भेजे, ठीक है, ब्रिटिश लोगों ने यहां से भारत से कच्चे माल भेजे, और उनका जो वस्तु तैयार होके आएगा वो एकदम एकदम अच्छा सा बन के आएगा, अच्छा तैयार होके आएगा, और वो क्या होगा, वो सस्ता होगा, क्योंकि वो मशीन से बनाते हैं, ठीक है। इसलिए क्या होगा, जो हमारी जो हस्तशिल्प की वस्तु है इसका जो काम है पूरा का पूरा खराब हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। लेकिन हमारा बाजार तो खराब हो जाएगा, लेकिन उनका जो बाजार है वो बहुत अच्छे से फलेगा फूलेगा। तो ऐसे इसी प्रकार से हुआ, ब्रिटिश वस्तुओं की मात्रा भारतीय बाजार में अधिक बढ़ गई और भारतीय हस्तशिल्प वस्तुओं की बिक्री कम होने लग गई, ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा। इसका परिणाम क्या हुआ, इसका परिणाम मैंने आपको पहले बता दिया कि भारत में हस्तशिल्प का पतन होने लग गया था, पूरा का पूरा पतन था। ये एक तरह से एक कदम आगे था, एक स्टेप बढ़ गया आगे, जिससे क्या है, हस्तशिल्प का पतन होने लग गया। एक और स्टेप, अब हम दो तीन स्टेप के बारे में चर्चा करेंगे जिससे हस्तशिल्प का जो पतन था वो तो हो ही रहा था, लेकिन रफ्तार आ गई उसमें, तीव्र हो गया पतन होना, ठीक है। और वो स्टेप है सबसे पहले हमारे सामने राज दरबारों का लोप होना, यानी राज दरबार जो थी वो खत्म हो गई। देखो जिस समय ब्रिटिश शासन नहीं था हमारे ऊपर, उस समय हम बात करें तो राजा महाराजा हमारे ऊपर राज करते थे, ठीक है। तो राजा महाराजा जो थे वो, उनको हस्तशिल्प की वस्तुएं बहुत ज्यादा पसंद थी, वो हस्तशिल्प की वस्तुओं को प्रोत्साहन करते थे और वो उनको संरक्षण प्रदान करते थे, जिससे जो हस्तशिल्प की वस्तु थी वो अंतरराष्ट्रीय लेवल पर प्रसिद्ध हो गई थी, ठीक है। लेकिन इनका लोप हो गया, ये खत्म हो गए। क्यों? क्योंकि जब ब्रिटिश शासन आया तो इनको जाना पड़ गया, ब्रिटिश शासन आया तो इनका शासन खत्म हो गया, और जब इनका शासन खत्म हो जाएगा तो फिर संरक्षण कौन प्रदान करेगा, ठीक है।
तो इसलिए ब्रिटिश ये जो हस्तशिल्प था ये और ज्यादा खत्म होने के कगार पर पहुंच गया। यहां हम बात करते हैं ब्रिटिश शासन से पहले देश के अलग अलग भागों में नवाब, राजाओं, शहंशाहों का राज था, बता दिया मैंने आपको। वह भारतीय हस्तशिल्प का संरक्षण प्रदान करते थे, जिसके कारण भारतीय अर्थव्यवस्था हस्तशिल्प को अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त हो गई थी, ठीक है दोस्तों। और ब्रिटिश शासन का जब आरंभ हुआ, जब ब्रिटिश शासन आई तो देशी राज दरबारों का अंत था, फलस्वरूप हस्तशिल्प का पतन और तेजी से होने लग गया था, ठीक है दोस्तों। एक और जो हमारे सामने टॉपिक है, टॉपिक नंबर टू, ये जो है अपना भारत में रेलवे का आगमन, इसने भी क्या किया, हस्तशिल्प को और आगे बढ़ा दिया पतन होने के लिए। क्यों? क्योंकि इस भारत में रेलवे का जो आगमन हुआ, इसका जो पूरा का पूरा जो प्रॉफिट था वो ब्रिटिश सरकार ले रही थी, क्योंकि उस समय लाई थी ब्रिटिश सरकार हमारे देश में रेलवे को, ठीक है। तो इस प्रकार से रेलवे का आना भी एक गलत साबित हुआ उस समय, और भारतीय हस्तशिल्प का पतन और होने लग गया, ठीक है। भारत में रेलवे के आने से निम्न लागत वाली वस्तु जो कि किसकी थी, ब्रिटिश सरकार की थी, इन ब्रिटिश वस्तुओं के बाजार का आकार बढ़ाने लग गई। क्यों? क्योंकि क्या हुआ, भारत जब रेलवे आया तो उनका जो सामान है वो एक जगह से दूसरे जगह जाना सरल हो गया। वो रेलवे लाए अपने फायदे के लिए, उन्होंने जो अपना सामान है वो सब जगह फैलाने लग गए भारत में, ठीक है। और उनका जो जो वस्तु थी वो निम्न लागत वाली थी, यानी कि उनके वस्तु को बनाने में ज्यादा लागत लगती नहीं थी, ठीक है। और अब उसका प्रसार भी बहुत तेजी से हो रहा है, फैलने भी लग गई वो वस्तु, और इसका जो आकार है बढ़ने लग गया, तथा उच्च लागत वाली भारतीय वस्तु। अब हस्तशिल्प जो है वो तो उच्च लागत वाली है, उसमें लागत भी ज्यादा लगता है, श्रम बल भी ज्यादा लगता है, बहुत सारे लोगों की मेहनत से बनता है, ऊपर से टैक्स भी लगा दिया, तो जो लागत हो गई वो लागत हो गई उच्च लागत, ठीक है। वस्तुओं का बाजार, उसके बाद क्या हुआ, लागत जो है वो ज्यादा, प्राइस ज्यादा हो गया हस्तशिल्प का, और वस्तुओं का जो बाजार है इनका, इसलिए जो इनका बाजार है हस्तशिल्प वालों का, वो सिकुड़ने लग गया। परिणाम स्वरूप क्या होगा, हस्तशिल्प का पतन और तेजी से होने लग गया, ठीक है दोस्तों। तो आपको भारत में रेलवे का आगमन भी समझ में आ गया होगा। अब हम बात क्या करते हैं, अब हम बात करते हैं इसके थर्ड पॉइंट पे, ठीक है। थर्ड पॉइंट है हमारा मशीनों द्वारा निर्मित वस्तुओं से प्रतियोगिता। मशीनों द्वारा निर्मित किसकी वस्तुएं थी दोस्तों, ये थी ब्रिटिश लोगों की, ठीक है। और इनसे प्रतियोगिता किसकी हो रही थी, हस्तशिल्प वालों की, यानी हमारे इंडियंस की, और हम इसमें बुरी तरह हारे। क्यों? क्योंकि दोस्तों इसमें बहुत सारे कारण थे हमारे सामने। एक तो टैक्स लगा दिया, इससे हमारी वस्तु महंगी हो गई। दूसरा, उनके पास ट्रेन की भी सुविधा थी, तो उनका जो प्रसार है वो और ज्यादा तेजी से होने लग गया। दूसरा से जो क्वालिटी थी, अगर हम क्वालिटी वाइज भी बात करें तो इनका जो इनका जो ब्रिटिश लोगों का जो वस्तु था उनकी क्वालिटी वाइज भी अच्छी थी, ठीक है। तो प्रतियोगिता में टिक नहीं पाए हम, और हस्तशिल्प की वस्तु, और ये जो है ब्रिटिश लोग जीत गए, ठीक है। तो यहां से हम बात करते हैं, मशीनों द्वारा निर्मित ब्रिटेन की वस्तुओं की उत्पादन लागत बहुत कम थी, क्योंकि मशीनों से जब बन रही है तो बहुत ज्यादा मात्रा में बनेगी और उसकी लागत भी बहुत ज्यादा कम होगी, ठीक है। और भारत में बनी हस्तशिल्प की वस्तुएं उनकी प्रतियोगिता में बिल्कुल भी सामने टिकी नहीं पाई, ठीक है। और मशीनों द्वारा निर्मित जो वस्तुएं होती थी, बाय चांस उनकी जो गुणवत्ता थी वो भी बहुत ज्यादा अच्छी थी, कंपेयर करें तो भारतीय हस्तशिल्प की वस्तुओं की तुलना में, ठीक है। और इनकी जो गुणवत्ता थी वो बहुत ज्यादा अधिक थी। किनकी गुणवत्ता, मशीनों द्वारा जो निर्मित हो रहा था, ब्रिटिश लोगों की गुणवत्ता, ठीक है। हमारी जो हस्तशिल्प की वस्तुएं थी इनसे बहुत ज्यादा अच्छी थी, ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा। अब हमारे सामने है एक बिल्कुल ही नया सा टॉपिक, ठीक है, और ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस टॉपिक में हम क्या पढ़ेंगे, इसमें हम पढ़ेंगे कि ब्रिटिश शासन के दौरान, यानी जिस समय ब्रिटिश का शासन चल रहा था उसके दौरान जनांकीय रूपरेखा, ठीक है, जनांकीय रूपरेखा की हम बात करने वाले हैं, कि जनांकीय रूपरेखा यानी जन्म दर, मृत्यु दर, ठीक है, शिक्षा दर, साक्षरता दर कितनी ज्यादा थी, कितनी कम थी, और क्या क्या चीजें थी, उसके ऊपर में हम चर्चा करने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये भी आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और तीन चार ही इसके पॉइंट है, आपको बहुत अच्छे से ये समझना है, ठीक है। जन्म दर तथा मृत्यु दर, ठीक है, जन्म दर और मृत्यु दर, ये दोनों ही बहुत ज्यादा अधिक थी। जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही बहुत ज्यादा ऊंचे थे और अधिक थे, लगभग 48,000 तथा 40,000 प्रति हजार थे। दोस्तों ये आंकड़ा बहुत ही ज्यादा अधिक है, ठीक है। इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हमें पता चलता है कि वहां पे ज्यादा से ज्यादा निर्धनता थी, बहुत ज्यादा मात्रा में निर्धनता थी, और किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं थी, अव्यवस्था फैली हुई थी पूरी तरह से, ठीक है। इस एग्जाम्पल से हमें यह पता चलता है कि जन्म दर और मृत्यु दर ज्यादा थी, तो कारण क्या था, उसका कारण था व्यापक निर्धनता और अव्यवस्था, ठीक है दोस्तों।
आपको समझ में आ गया होगा जन्म दर और मृत्यु दर, ठीक है। तो अब हम बात करने वाले हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर में, और वो टॉपिक क्या है हमारा, वो टॉपिक है शिशु मृत्यु दर, ठीक है दोस्तों। शिशु मृत्यु दर के ऊपर हम बात करने वाले हैं। आपको दोस्तों पता है शिशु मृत्यु दर क्या होता है? शिशु मृत्यु दर होता है एक वर्ष से जो कम आयु के बच्चे होते हैं, एक वर्ष से भी कम आयु के बच्चे, ठीक है, उनकी मृत्यु हो जाती है, मर जाते हैं, पैदा होते ही एक वर्ष से भी कम होते हैं लेकिन उनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। ये आंकड़ा भी दोस्तों उस समय बहुत ही ज्यादा था, वर्तमान में भी है लेकिन उतना ज्यादा नहीं है, वर्तमान में कम है, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे शिशु मृत्यु दर से अभिप्राय एक वर्ष से कम आयु वाले बच्चों की मृत्यु दर है, ठीक है। ये बहुत ऊंची थी उस समय में, लगभग 218 प्रति हजार थी, और वर्तमान में भी है ये, लेकिन ये है 34,000 है केवल, ठीक है दोस्तों। तो उच्च इससे भी इस घटना से हमें क्या पता चलता है, इस आंकड़े से हमें क्या पता चलता है कि निर्धनता अत्यधिक थी, बहुत ज्यादा निर्धनता थी, ठीक है। और वहां पे जो व्यवस्था थी वो बहुत ही खराब थी, वहां पे स्वास्थ्य की जो सेवाएं थी वो कम विकसित थी, स्वास्थ्य की सेवा कैसी थी, बहुत गंदी थी, बहुत कम विकसित थी, और ब्रिटिश लोगों ने बिल्कुल भी इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया था। इससे इसी और इशारा पड़ता है कि निर्धनता ज्यादा, कम विकसित, स्वास्थ्य सेवाएं बिल्कुल भी अच्छी नहीं, ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात किसकी करने वाले हैं, अब हम बात करने वाले हैं जीवन प्रत्याशा के ऊपर। जीवन प्रत्याशा से हमारा अभिप्राय क्या है कि जो लोग जीवन अपना व्यतीत करते हैं, यानी जो लोग जीते हैं, जैसे आपने सुना होगा कि ये बंदा जो है 70 साल तक जिया, ठीक है, ये 108 साल तक जिया, ठीक है। तो जीने की जो आयु है, औसत आयु, यानी कि लगभग सबकी आयु अगर हम बात करें तो अभी तक जो लगभग सबकी जो औसत आयु वो है 68 वर्ष, यानी लगभग इतना तो सब जी लेते हैं, ठीक है, यानी इतना तो सब आजकल जीते हैं, वर्तमान में ये इतनी है, ठीक है। लेकिन उस समय की हम बात करते हैं तो जीवन प्रत्याशा जो थी वो बहुत ही ज्यादा कम थी। जीवन प्रत्याशा से अभिप्राय होता है एक व्यक्ति की औसत जीवन अवधि कितनी है, लाइफ कितनी है उसकी, ठीक है। उस समय केवल 32 वर्ष थी दोस्तों, ये बहुत ही ज्यादा कम है, ठीक है, 32 वर्ष ही केवल जी पाते थे, जिंदा रह पाते थे, औसत लोगों की थी। इससे आप क्या समझते, क्या समझ में आया कि वहां की जो स्वास्थ्य सेवा थी वो बहुत ही खराब थी, ठीक है, सुविधा किसी प्रकार की थी नहीं, जागरूकता लोगों के अंदर बिल्कुल भी नहीं थी, ठीक है, खाने पीने की व्यवस्था, बीमारियां बहुत ज्यादा। इससे तो हम यही समझ सकते हैं ना कि 32 वर्ष जीते थे सिर्फ, औसत आयु थी सिर्फ 32 वर्ष की, ठीक है, ये वर्तमान में बढ़कर 68 वर्ष हो गई है, ठीक है। निम्न जीवन प्रत्याशा, बहुत ही कम जीवन प्रत्याशा थी, स्वास्थ्य सुधार की जरूरत थी, सुविधा का जो अभाव था बहुत ही कम था, जागरूकता लोगों के अंदर नहीं था, जागरूकता का भी अभाव था। ये जो पॉइंट है ये सभी बातें व्यक्त करती हैं ये, ठीक है दोस्तों, आपको जो है ये बातें यहां से समझ में आ गई होगी। अब हम बात किसके ऊपर करने वाले हैं, अब हम बात करने वाले हैं अपने साक्षरता दर के ऊपर में, कि वहां के जो लोग थे वो कितने पढ़े लिखे थे, कितने अनपढ़ थे, ठीक है, उनके जो आंकड़े थे वो कितने थे, यानी लोग पढ़े लिखे कितने थे, हम उसके ऊपर में चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। साक्षरता दर से अभिप्राय है वे लोग जो पढ़ लिख, जो लिख तथा पढ़ सकते हैं, इतने लोग, वह लोग जो या तो पढ़ सकते थे या लिख सकते थे या दोनों, ठीक है, ऐसे लोगों की संख्या कितनी थी उस समय, ये लगभग 16% था दोस्तों, ये बहुत ही ज्यादा कम है, 100 में से केवल 16% लोग ही ऐसे थे जो पढ़ सकते थे या लिख सकते थे, ठीक है। ये भी सामाजिक तथा आर्थिक पिछड़ेपन की निशानी है, और इससे हमें क्या पता चलता है कि ये सामाजिक और आर्थिक पिछड़ेपन की एक निशानी है, ठीक है। स्त्री साक्षरता केवल 7%, ये तो हद ही हो गई दोस्तों, ठीक है, यहाँ पे बात करें तो 16% थी, और स्त्री की केवल बात करें तो 7% थी। इससे एक और बात हमें पता चलती है, और वो बात क्या है कि ये समाज में पाए जाने वाले लिंग भेद का एक सूचक है, कि आपको, आप इस बात से ये अंदाजा लगा सकते हो कि लिंग भेद कितना था, यानी स्त्री और पुरुष में उस समय भेद बहुत ही ज्यादा था, पढ़ाई के अंतर में आप भेद समझ सकते हो, तो इससे ये आपको पता चल जाए कि लिंग भेद जो था उस समय का वह बहुत ही ज्यादा था, ठीक है दोस्तों। तो साक्षरता दर जो है आपको समझ में आ गई होगी। अब हम बात करने वाले हैं किसकी, एक जो लास्ट अपना जो टॉपिक है ये अपना आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है, और इसके जो आने के चांसेस पेपर में है वो भी बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है, और इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, आपको इसको बहुत अच्छे से समझना है, ठीक है। हम बात किसकी करने वाले हैं, बात करने वाले हैं, आपको पता है जो ब्रिटिश शासन था जिस समय, जब हमें
गुलाम बना लिया गया था जब ब्रिटिश ने हमारे ऊपर शासन कर रखा था। तो आप अगर लोगों से पूछोगे कि क्या उन्होंने हमारा कुछ फायदा किया, क्या हमारे ऊपर को उनका कोई प्रभाव पड़ा, सकारात्मक प्रभाव, क्या पॉजिटिव पॉइंट है उनके आने का हमारे ऊपर कोई, ठीक है, तो बहुत सारे लोग छूटते ही बोलेंगे नहीं, उन्होंने हमारा कुछ भी फायदा नहीं किया, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ हमारा नुकसान किया है। लोग कहेंगे निश्चित रूप से नहीं। और अगर हम गहराई से सोचे तो ये जो विषय है ये विवाद वाला बन सकता है। कोई कहेगा हाँ, कोई कहेगा ना, ज्यादातर लोग कहेंगे नहीं, किसी प्रकार का उन्होंने फायदा नहीं किया। लेकिन दोस्तों अगर हम दिमाग ठंडा करके बात करें और किसी आंकड़े के ऊपर में चर्चा करें तो हमारे सामने तीन चार ऐसे पॉइंट बनते हैं जिस पॉइंट से हमें ये ज्ञात होता है कि जो अंग्रेज उस समय हमारे सामने थे, हमारे ऊपर जो कब्जा किया था, तो उन्होंने हमारे ऊपर कुछ पॉजिटिव पॉइंट छोड़ के गए हैं यहाँ पे, जिससे हम क्या है, हम थोड़े ग्रो करे हैं उनकी वजह से, अगर हम उनकी नीतियों पे थोड़े बहुत चले हैं तो, यानी सम पॉजिटिव पॉइंट्स, ठीक है, थोड़े पॉजिटिव पॉइंट के ऊपर उनका जो पॉजिटिव पॉइंट था वो हमारे पास था, उसके ऊपर में हम चर्चा करते हैं। सबसे पहला क्या था, रोजगार के अवसर। दोस्तों सबसे पहला पॉइंट क्या है अपना, रोजगार के नए अवसर। रेलवे उन्होंने छोड़ी, सबसे बड़ा जो काम किया उन्होंने वो किया रेलवे बनाकर, सबसे बड़ा। आपको पता होगा इंडिया में सबसे ज्यादा जो जॉब निकलती है, वैकेंसी निकलती है, या रेलवे ही, भारतीय रेलवे ही ऐसा प्लेटफॉर्म है रेलवे का जिसमें सबसे ज्यादा नौकरियां निकलती है और सबसे ज्यादा नौकरियां हैं, ठीक है। रेलवे तथा सड़कों के विस्तार, सड़कों का विस्तार कर दिया उन्होंने, जिससे क्या हुआ, आने जाने के आगमन रास्ते ठीक हो गए, व्यापार करना सरल हो गया, ठीक है। विस्तार से आर्थिक तथा सामाजिक विकास के कई नए अवसर प्रदान किए गए, ठीक है दोस्तों। तो ये उन्होंने एक पॉजिटिव पॉइंट हमारे सामने सबसे बड़ा ये छोड़ा कि उन्होंने रेलवे बना के छोड़ दिया यहीं पे, ठीक है, और सड़कों का भी उन्होंने निर्माण कराया। तो ये इनका एक पॉजिटिव पॉइंट बनता है हमारे सामने, ठीक है दोस्तों। तो आपको ये समझ में आ गया होगा, इससे ये समझ में आप समझ सकते हो, ठीक है। बात करते हैं हम किस पे, अकाल पर नियंत्रण, ठीक है, किस पर नियंत्रण, अकाल पर नियंत्रण। दोस्तों उन्होंने हमारे सामने या उनकी किताबें पढ़कर, यानी या उनकी कुछ नीतियों को आप अगर फॉलो करोगे ना, तो आपको ये पता चल जाएगा कि उन्होंने कुछ ऐसे नियम, कुछ हमें कुछ सिखा के ऐसा भेजा है जिससे हमें क्या है, खुद से ना सोचकर कुछ कुछ बातें अगर हम उनसे सीखते हैं तो हम उन मतलब हम अपने आप में बहुत ही ज्यादा डेवलप कर सकते हैं, क्योंकि वो खुद डेवलप थे दोस्तों, ठीक है। उनकी जो कंट्री है वो हमसे ज्यादा डेवलप थी, तो ना चाहते हुए भी कुछ कुछ पॉइंट है, कुछ कुछ उनकी बातें हैं जो हमारे लिए कैसा साबित होता है, पॉजिटिव साबित होता है, ठीक है, अच्छा साबित होता है। बात करते हैं हम अकाल के नियंत्रण पर, ठीक है। अकाल का नियंत्रण यानी फ्लूड, यानी बाढ़ हो हमारे सामने कभी, ठीक है, कोई प्राकृतिक आपदा आ जाती है, ठीक है, तो उनके कुछ नियमों का पालन करके हम बच सकते हैं। यातायात के साधनों के विस्तार से सूखा ग्रस्त, ठीक है, क्षेत्रों में शीघ्रता से खाद्य सामग्री पहुंचाई गई। मान चलो जहां पे सूखा पड़ गया है या जहां पे बाढ़ आ गई है वहां पे खाना पहुंचाना हो तो बहुत ही आसानी से पहुंचा सकते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने यातायात के साधन डेवलप कर दिए हमारे सामने, उन्होंने हमारे सामने कुछ ऐसा प्लानिंग करके गए हैं जिसके ऊपर अगर हम फॉलो करते हैं तो हम ठीक हो जाते हैं, जाने लगी, अकाल नियंत्रित होने लग गया, ठीक है। तो ये आपको सेकेंड पॉइंट जो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है दोस्तों। हम बात करने वाले हैं किसकी, हम बात करने वाले हैं विनिमय की मौद्रिक प्रणाली, ठीक है दोस्तों। ये भी एक अच्छा पॉइंट बनता है उनका, कौन सा है, विनिमय की मौद्रिक प्रणाली। आपको पता है वस्तुओं के बदले वस्तुओं का लेन देन होता था पहले, ठीक है, तो वस्तुओं के बदले वस्तु का लेन देन यानी वस्तु विनिमय प्रणाली को हटाकर विनिमय की मौद्रिक प्रणाली आ चुकी थी, और ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायक सिद्ध हुआ। कैसा सिद्ध हुआ, लाभदायक, ठीक है। भारतीय अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन यह हुआ कि वस्तु विनिमय प्रणाली का स्थान किसने ले लिया था, मुद्रा विनिमय प्रणाली में। और ये दोस्तों आपको बताने की जरूरत नहीं है कि हमारे लिए मुद्रा विनिमय प्रणाली कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है और कितना ज्यादा वो है हमारे लिए लाभदायक है। हम पहले अपने प्रीवियस वीडियोस में पढ़ चुके हैं कि वस्तु विनिमय प्रणाली में कितनी सारी कठिनाई होती थी, आवश्यकताओं का दोहरा संयोग होता था, हम और वस्तु को हम संग्रहण करके नहीं रख सकते थे, ठीक है, मापन की कठिनाई होती थी हमारे सामने, ठीक है, और ये जो है हम देर से भुगतान नहीं कर सकते थे उसका, कितने सारे पॉइंट थे हमारे सामने। लेकिन उन सब चीजों को खत्म कर दिया था किसने, मुद्रा विनिमय प्रणाली में, मुद्रा विनिमय प्रणाली ले, ठीक है।
इस कारण बड़े पैमाने पर उत्पादक को सुविधाजनक बन गई, मुद्रा विनिमय प्रणाली आई और बहुत सारी जो कठिनाई थी हमारी वो खत्म हो गई और बहुत बड़े पैमाने पर हम क्या कर सके, हम सुविधाजनक बन गए, हमें सुविधाएं मिल गई। ठीक है दोस्तों, तो आपको जो ये टॉपिक है ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो आपका जो ये फर्स्ट टॉपिक है, जो आपका ये फर्स्ट चैप्टर है, सॉरी, ये पूरा का पूरा जो है कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, ये आपका सेकंड पार्ट था और इसी में आपका पूरा का पूरा टॉपिक कवर हो गया। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आ गया हो? ठीक है, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो कर सकते हैं आप एक लाइक। ठीक है दोस्तों, कमेंट कर सकते हो आप और शेयर कर सकते हो अपने क्लासमेट्स के साथ। सब्सक्राइब कर दे साथ ही हमारे इस चैनल को और बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी दबा दे, जिससे क्या होगा कि जब हमारी वीडियो अपलोड होगी तो आपको नई वीडियो के नोटिफिकेशन जो है वो मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, वीडियो थोड़ी लंबी हो चुकी है, ठीक है, और आपका टॉपिक, अच्छी बात यह है कि आपका जो टॉपिक है वो खत्म हो गया है दोस्तों, अब आपका जो नेक्स्ट चैप्टर आएगा। तो धन्यवाद दोस्तों, वीडियो आपके लिए इतनी थी।